तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 21 से। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 21 में आपको क्या गिवन है, दो कैपेसिटर की प्लेट्स गिवन है। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। चार्ज कितना है, क्यू और माइनस क्यू है। इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में हमने दो स्लैब्स को डाल दिया। एक कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर है, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है वी का और एक्स का। एक्स का मतलब अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो एक्स, ये देखो चेंज हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू डी, टू डी, थ्री डी, फोर डी, फाइव डी चेंज हो रही है, और वी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है ये मुझे ग्राफ में प्लॉट करके बताना है। रूल नंबर वन कि एज यू मूव, कि पॉजिटिव से नेगेटिव है, एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका वी क्या होगा इस तरफ जाते जाते डिक्रीज। किया था ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो जैसे जैसे ई की डायरेक्शन में जाओगे आपका वी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कोई डाउट इसमें, तो आप चेक करो, इसमें वी कम हो रहा है। यहां से जब यहां आते हैं तो वी क्या होगा, कम होगा। वी कम हो रहा है, वी कम हो रहा है, ओके, वी वी कम हो रहा है। बाकी इसमें, इसमें कॉन्स्टेंट है, नहीं ये ग्राफ नहीं हो सकता, और ग्राफ ऐसा तो कभी बनता ही नहीं वी का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेन जो आपका आंसर है वो ए या बी में से निकलेगा, क्योंकि दोनों में वी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद क्या आता है, कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर वी क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो कंडक्टर के अंदर वी क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो ग्राफ नीचे मुड़ते ही अगले रीजन में कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट। तो यहां तक फैसला हो नहीं पाया, तो पहले डिक्रीज है फिर कॉन्स्टेंट है। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद क्या आ जाता है, फिर से एयर आ जाती है, तो एयर में फिर से भी क्या होगा, डिक्रीज। अब जिस रेट से यहां डिक्रीज होगा उसी रेट से यहां डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एयर है, तो हवा में जैसे जिस रेट पे इस रीजन में डिक्रीज होगा उसी रेट पे इस रीजन में डिक्रीज होगा। तो अब चेक करो, ये नीचे गया कॉन्स्टेंट, ये डिक्रीज ही नहीं हुआ, इसने क्या कहा, इंक्रीज हो गया, जबकि यहां वी इंक्रीज नहीं हो सकता किसी भी हालत में, यहां पर वी डिक्रीज होगा। तो जिस रेट से ये रहा उसी रेट से ये रहा, दिस इज द आंसर। आगे चेक करने की जरूरत क्या है, तो वी आगे आगे जाओगे हमेशा डिक्रीज 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 ही होगा, या तो कॉन्स्टेंट होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर होगा, डन। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डिक्रीजिंग वी के साथ कैसे काम करना है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगली प्रॉब्लम, अगर आपको ऐसा कुछ ग्राउंड दिखे, ग्राउंड अर्थ, तो कईयों को लगता है कि शायद अर्थ में खड्डा खोद के इसमें तार डाल रखी है, ये अर्थ है। नहीं, अर्थिंग दो किस्म की होती है, एक तो सच में घरों की अर्थिंग ऐसी ही होती है, अर्थ में डालते हैं पूरा कई मीटर नीचे और सच में कोयला डाल के उसमें अर्थिंग करते हैं ताकि घरों का सारा चार्ज अर्थ में जाए, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की अर्थिंग। मेरे जेब में मोबाइल है, ये माइक है, इसमें भी अर्थिंग हो रखी है, अब तार को अर्थ में तो नहीं डाल रखा। इलेक्ट्रॉनिक वाले क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के तरीके से किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कर देते हैं, तो जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करते हैं वो अर्थ का पॉइंट माना जाता है। तो मतलब आर्टिफिशियली किसी पॉइंट के पॉइंट को क्या कर देते हैं, जीरो पोटेंशियल पे ला देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अर्थ का पॉइंट है। अर्थिंग के बारे में अगर ज़्यादा सीखना है तो एक स्कोर हेड के ऊपर एक रिकॉर्डिंग डाल रखी है कैपेसिटर के एंड में, अर्थिंग सिर्फ शौक के लिए डाल रखी है कि जिसको और डिटेल में सीख रहे हैं अर्थिंग कैसे है, या किसी ने एडवांस के अंदर जाना है उसमें कोई अर्थिंग के अंदर क्वेश्चन ना जाए, तो मैंने अर्थिंग को पूरा स्टडी किया हुआ उसमें डाल रखा है। कोई शौक में सीखना चाहे तो वो सुन सकता है, क्लास का पार्ट नहीं है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, किसी किताब का पार्ट भी नहीं है, तो किसी बुक में मिलेगी भी नहीं आपको वो लेक्चर, किसी किताब में मिलेगा नहीं, तो मैंने खुद ही डिज़ाइन कर रखा है, तो आप एक बार उसको सुन सकते हैं, ऑप्शनल है टोटल। तो पर अभी इतना नहीं, अभी इतना मुझे पता है जहाँ अर्थ है वहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो, जहाँ अर्थ है वहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो क्यों ना ऐसा करें, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दें, एक ऐसी वायर जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक ऐसी वायर जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है उनके कॉर्नर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो जीरो जीरो क्लियर है यहाँ तक, आप चेक कर सकते हो। तो जब ये सेम पोटेंशियल पे हैं तो दे कैन बी कनेक्टेड बाय अ वायर। तो जब मैंने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया तो मुझे पता लग गया कि अब ये दो किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज, और 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो सी इंटू टू सी बाय सी प्लस टू सी करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने निकाल ली। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें, 10 है। आपको चार्ज निकालना है इसमें। अब क्योंकि आपने पूरा सर्किट क्लोज कर दिया, वायर लगा के सर्किट क्लोज कर दिया, आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि बोथ आर एट सेम पोटेंशियल,
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, वी आ गया, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी करके क्या आ गया, चार्ज आ गया। और क्योंकि दोनों कैपेसिटर किस में, सीरीज में, तो चार्ज की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो दोनों में चार्ज कितना आएगा, 40 माइक्रो कूलम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? कोई अर्थ नहीं है, अर्थ जीरो जीरो को जोड़ दिया बस बस। अगर अर्थिंग नहीं होती तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था, फिर मुझे क्या पता क्या पोटेंशियल भी होता, फिर नहीं मैं ज्वाइन कर सकता। मैं उन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूँ बाय वायर विच, जो कि सेम पोटेंशियल पे होंगे, ऐसे नहीं कर सकता। वो भी इसलिए क्योंकि वायर की अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल की वैल्यू दोनों एंड्स पर क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। ठीक, अगर अर्थिंग, अगर यहाँ पे अर्थिंग ना होती और ये वैसे ज्वाइंट होता तो भी आंसर सेम होता, पर वो कह रहे अगर अर्थिंग ना होती, ज्वाइंट भी ना होता, तो फिर मैं सिर्फ इतना बोल सकता था कि दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आगे मुझे पता नहीं फिर क्या होता। ठीक है, ऐसा है कुछ। सो थर्ड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो कैपेसिटर की प्लेट्स गिवन है, एक के ऊपर चार्ज कितना गिवन है क्यू और दूसरे के ऊपर चार्ज कितना गिवन है 3q। ठीक है, जब ये चार्ज क्यू 3q होता है ना, और कैपेसिटर का क्वेश्चन है, पहला रूल नंबर 1 ही एक है, ऐसे तो कैपेसिटर कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे जब तक आप अंदर की प्लेट्स पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट ना कर दो, तो आपको चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो पहला काम आगे सॉल्व करने से पहले, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो मैंने कहा टोटल चार्ज क्यू, तो अंदर कितना है माइनस क्यू, बाहर कितना है प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो अगर ये माइनस क्यू तो ये कितना है क्यू प्लस एक्स, अगर ये एक्स है तो ये कितना है 3q माइनस एक्स, और कोने के ऊपर चार्ज क्या रहता है सेम। तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके मैंने एक्स निकाल दिया, तो एक्स कितना आ गया क्यू। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर अंदर चार्ज कितना आ गया सॉल्व करके क्यू, यानी कि माइनस क्यू, तो यहां पर कितना है क्यू, तो ठीक किया माइनस क्यू क्यू। तो कैपेसिटर के इनसाइड चार्जेस कितने आ गए माइनस क्यू एंड क्यू, ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस। अब वो ये कह रहा है कि पी पॉइंट इसका मीडियन है, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट है, कोई भी आर्बिटरी कोई भी पॉइंट ले लिया, मीडियन मिड पॉइंट है। और आपको क्या निकालना है, पी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब P और A के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, P और A के बीच में,
वो आपको ऑप्शन मार्क करना है। अब पॉइंट नंबर वन, पी के ऊपर पोटेंशियल मुझे तो निकालना नहीं आता, ए के ऊपर पोटेंशियल मुझे ऐसे निकालना नहीं आता, पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इधर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी है तो आधा आधा कितना है? डी बाई टू एंड डी बाई टू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। चार्ज क्या लेना है? जो अंदर का चार्ज है। तभी तो हमने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमें क्या पता लग जाए? अंदर का चार्ज। अंदर का चार्ज पता होगा तो सिग्मा पता होगा, सिग्मा पता होगा तो ई पता होगा। तो इसीलिए हमें क्या करनी पड़ेगी? पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आया एक्स और माइनस एक्स हमने क्यों किया? अब हमें चार्ज पता लग गया, क्यू तो सिग्मा पता लग गया, चार्ज बाय एरिया, ई पता लग गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पी और ए के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? डी बाई टू। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस डी बाई टू। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, मैंने पुट कर दिया और डी नीचे आ गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है? सी। आंसर मार्क कर लेना, क्यू डिवाइडेड बाई टू सी नॉट आंसर। तो आइडिया समझ में आया। अब एक नई टाइप की प्रॉब्लम देखो आपने सीखी आज कैपेसिटर में, ये मैंने नहीं करवाई थी, मैंने तो सिंपल सीरीज पैरेलल करवाई थी। तो एक नई टाइप की प्रॉब्लम सीखी आपने, और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ में आ रहा है। तो आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूँ कैपेसिटर्स के ऊपर, जो 2021 और 20 के जो मेंस के पेपर हैं। नीट वालों को तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स की शीट मिली हुई है, वो तो उसमें से कैपेसिटर्स ढूंढ लेंगे अपना। और मेंस वालों को जो 2020 और 21 की जो प्रॉब्लम्स हैं आज मैं एज अ होमवर्क दूंगा। किसी मेडिकल वाले को भी लेके जानी है, वो आपकी इच्छा है, वो ले सकते हो, मर्जी है, ठीक। और वो आपने अभी सॉल्व करनी है। 2022 का जो दो पेपर होंगे मेंस के, ये हम जब आपका मेंस का पेपर होगा या कंपटीशन होगा उससे पहले सॉल्व कर लेंगे। पूरी किताब आने वाली है, नवंबर में पूरी किताब आ जाती है, वो किताब हम परचेज करते हैं, बहुत छोटी सी किताब होती है, उसको पुराने पेपर के तौर पे उसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि एटलीस्ट 3 साल के पेपर हमने एटलीस्ट देख रखे हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ 3 साल के लेटेस्ट पेपर करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि चौथे साल में कैसा पेपर आएगा। और सबसे बड़ी बात ये आइडिया होता है कि मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है और किस लेवल की तैयारी मुझे नहीं करनी, ताकि लोग इमोशनल ना हो तैयारी करते हुए, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और मैं वो भी कर लूँ। तो फिर अगर इतना करोगे तो फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं, एफिशिएंसी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी तो जो सिलेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोकस स्टडी की, फोकस स्टडी की। क्योंकि स्टडी की तो कोई लिमिट ही नहीं ना, जितना मर्जी देख लो, स्टडी स्टडी गूगल खोलो तो पागल हो जाओगे, गूगल खोलो जिंदगी खत्म हो जाएगी, गूगल खत्म नहीं होगा, इतने क्वेश्चंस हैं, ऐसा ही है। तो फोकस स्टडी, ठीक है। तो वो तभी पता लगता है जब पुराने पेपर्स हम सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली कि क्या किस लेवल का एग्जाम हमें आता है, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। हाँ, ये देखो वो कह रहा है ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये माइनस एक्स है कि एक्स है? सही क्वेश्चन है, उल्टा कर लो। अगर ये टोटल क्यू है, आप इसको क्या मान लो, आप इसे एक्स मान लो, इसे माइनस एक्स मान लो, तो भी आंसर सेम आएगा, चेक कर लेना, कोई फर्क नहीं उसमें, ठीक है। यहाँ तक वैसे रूल ये है, ये बड़ा चार्ज है ना, ये छोटा चार्ज है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको एक्स माना, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा चार्ज है ना, तो बड़ा चार्ज बढ़े के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए मैंने इसको एक्स माना, इसको माइनस एक्स माना। वैसे ये रूल ज्यादा बेटर रूल है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से वही, अब आपको पता लग गया बाय प्रैक्टिस, अब आप पूछोगे नहीं, अर्थिंग के दो पॉइंट है, देखते क्या करोगे, इन्हें ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन कर दिया। अब जब ज्वाइन किया तो ये दोनों तो साफ पता है किसमें है, इन पैरेलल। जब ज्वाइन करोगे तो ये दोनों किसमें? इन सीरीज। तो टू और टू सीरीज में क्या आएगा? वन। अब ये तीनों किसमें हो जाएंगे? इन पैरेलल, पैरेलल एक एक सीरीज कैसे, क्या एक लाइन का पार्ट है? नहीं, ये देखो ये वी वन है,
ये जंक्शन V2 है, वही एग्जांपल, ये बल्ब लगाया, ये दूसरा बल्ब लगाया, ये मिक्सी लगाई, A की पॉइंट है, तो याद है V1, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में एग्जैक्टली सेम है। जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन से पता लगता है, ये देखो, ये मान लो V1 पे है, ये मान लो V2 पे है, देखो इसी के क्रॉस ये कनेक्टेड है, इसी के क्रॉस ये कनेक्टेड है, इसी के क्रॉस ये कनेक्टेड है, तो जंक्शन के क्रॉस सॉकेट तो वही है ना जिसमें तीन मशीन लग रही हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो क्लियर है यहां तक? तीनों पैरेलल में है ना इसमें, ऐसा नहीं है ये दोनों पैरेलल में इसके साथ सीरीज में, नहीं नहीं इसको ध्यान से देखो, आप जंक्शन ढूंढो कहां है, ये जंक्शन या तारे मिल रही हैं, वायर्स मिल रही हैं, आप इमेजिन करो यार ये V1 है, इमेजिन करो ये V2 है, अब अगर ये V1 है तो ये प्लेट भी V1 है, ये प्लेट भी V2 है, ये V1 है तो ये भी V1 है और ये भी V2 है, ये V1 है तो ये V1 है और ये V2 है, हो गया ना, तो ऐसे पता लगता है। इन शॉर्ट कैसे पता लगता है? हाँ, प्रैक्टिस से पता लगता है, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, आप देखते ही बता पाओगे सीरीज पैरेलल, आपको इतना करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। क्या बीच में ले लिया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, पहले देखो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, ये लो ये कर लिया ज्वाइन, मैंने कहा ये सीरीज में है तो मैंने इसकी जगह एक लगा लिया, ये डायग्राम में बना लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम में, साइड पे ले लो, ये लो, यहां नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, ये लो यहां मत लगाओ, ये मैंने नहीं लगाया, यहां लगा लिया बस, नहीं लगाया, हाँ तो क्या हो गया, ये V1 है तो ये V1 है, ये V1 है तो ये V1 है, ये V2 है तो ये V2 है, ये V2 है तो फिर यहां से घूम के ये भी तो V2 है, अब भी तो पैरेलल में रहेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है, इधर को लगाया फर्क कोई पड़ ही नहीं रहा, पैरेलल तो पैरेलल रहेगा। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है सर? फिर ये अर्थिंग के पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ नहीं, अर्थिंग अगर दो अर्थिंग है और जीरो जीरो पोटेंशियल पे है, वायर ज्वाइन करके इनको ज्वाइन करके एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, ज्वाइन करके सीरीज में बना सकते हो इन्हें। कैपेसिटर, कितनी कैपेसिटेंस है? 10 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर है। कितना पोटेंशियल है? 50। तो चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू सी वी, कितना चार्ज है? 500। अब कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर 500-500 चार्ज है, कैसे? दो प्लेट्स हैं, ये मान लो आपके पास चार्ज है 500 और ये चार्ज है -500, क्योंकि कैपेसिटर ऐसे चार्ज होते हैं ना, प्लस एंड माइनस, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, कोई डाउट? ठीक है यहां तक? अब वो ये कह रहा है बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड, बैटरी को उठाया तोड़ा और फेंक दिया, तो चार्ज अब इस पे क्या रहेगा? 500 और -500, ठीक हो गया। आगे एंड 200 माइक्रो कूलम इज गिवन टू कौन सी प्लेट? पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट कहां पर है? ये रही। इस पे कितना चार्ज दिया? 200, इसको दिया ही नहीं। अब एक प्लेट पे कितना हो गया? 700, एक पे कितना हो गया? -500। कैपेसिटर फिर रीअरेंजमेंट करेगा, पहले देखो भूलना नहीं है, जब इक्वल चार्जेस है कैपेसिटर रीअरेंजमेंट करेगा, तो रीअरेंजमेंट करेगा, अब वो कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में क्या रहेगा बताओ, तो करे रीअरेंजमेंट, ये 700 ये -500, तो इमेजिन करो अंदर की प्लेट पे क्या आया? क्यू, और इधर क्या आया? -Q, तो अगर ये क्यू आया तो इधर क्या आया? 700 -Q, अगर ये -Q तो इधर कितना आया? -500 +Q, ये रूल क्लियर है? और इसमें कोने के चार्जेस को इक्वेट कर दिया, तो ये चार्ज इसके इक्वल है, इक्वेट करके क्या निकाल लिया? क्यू। तो मुझे अब ये पता लग गया आफ्टर रीअरेंजमेंट इसके ऊपर चार्ज कितना है? 600, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? -600। क्या ये स्टेप क्लियर है? 600 -600 क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब वो कह रहे हैं कैपेसिटेंस तो इसकी पता ही है मुझे, 10 माइक्रोफेरड क्वेश्चन में गिवन ही है, आपको बताना है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार्ज अपॉन सी, चार्ज अब क्या यूज करेंगे? 600 माइक्रोकूलम,
सी तो पुराना ही है, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो रीअरेंजमेंट की गेम समझ में आ रही है, जब भी चार्जेस अनइक्वल होंगे तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा और अंदर की प्लेट्स पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। कोई डाउट, पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक है, तो इसीलिए कह रहा था ये शीट मैंने प्रैक्टिस के लिए दी नहीं आपको, प्रैक्टिस के लिए तो तब देता जब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाता। तो ओरिजिनल शीट है, इसकी तो वैरायटी ही एक नई वैरायटी है, इस पे तो एक और शीट लिखी जा सकती है ताकि वैरायटी में ऐड हो जाए, पर पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इतनी वैरायटी करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है जब मैं आपको मेंस के पेपर दूंगा और नीट के पेपर दूंगा, आप अगर 70% पेपर भी कर पाएं 70% से ऊपर, तो मेरी तरफ से ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर 70% होंगे तो आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ जब आप खूब और प्रैक्टिस करोगे, आपका और एक्सपीरियंस होगा, और आप जब मल्टीपल टेस्ट दोगे, पीसीएम के टेस्ट दोगे, तो आपका 70 से 80% की एक्यूरेसी आनी स्टार्ट हो जाती है, और बढ़ती ही है, कम नहीं होती, इम्प्रूवमेंट होती है। तो सफिशिएंट है, कोई मैं 100% टारगेट तो कहता नहीं हूँ, मैं भी एक जेन्युइन सी बात कर रहा हूँ, मैं कोई 70-80 के बीच में ही कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 40 कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 90% कर दो, 90% होते हैं तो उससे अच्छा क्या खुशी मिल सकती है किसी को। ठीक, तो पॉइंट करके ही पता लगेगा, वैसे हो जाएंगे आपसे 60% के लिए होने चाहिए, आसान ठीक है पेपर, कई क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 की क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, इस पूरे सर्किट में ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहला पॉइंट ये बताओ, क्या ए जंक्शन है, हाँ या ना? हाँ, जंक्शन क्या होता है, दो वायरों, दो अलग अलग वायर का मिलना पॉइंट है वो, तो नो, कोई जंक्शन नहीं है। क्या बी कोई जंक्शन है, नहीं है, तो मोड़ है, वायर मुड़ गई। क्या ये एक जंक्शन है, हाँ ये एक जंक्शन है, वैसे ही पूछ लिया, चाहिए नहीं था जंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पॉइंट तो ये है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो ए पे मान लो पोटेंशियल कितना है वी ए, बी पे मान लो पोटेंशियल कितना है वी बी, क्लियर है? तो ये पॉइंट इस प्लेट पे कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल कितना है वी ए, और बी पॉइंट इसके ऊपर कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी बी। तो एक तरीके से अगर ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बात एक ही है। तो ए और बी का तो कोई रोल है ही नहीं इसका मतलब, तो मेरे को बस इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस। कोई डाउट इसमें, ये रूल समझ में आया? तो मेरे को ये पता है कि टोटल बैटरी 190 वोल्ट की है, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ किस पे निकालना है, इस 3C वाले पे निकालना है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस 3C पे निकाल लूँ, तो यही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा ए और बी का। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक, सेम क्यों नहीं होगा मुझे बताओ, सेम क्यों नहीं होगा मुझे बताओ। ये एक ए पॉइंट है, तो मैं कोई भी पोटेंशियल ए मान लूँ, मान लिया यार, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कहाँ है वायर की, तो जहाँ पर ये टच करेगा वहाँ पोटेंशियल वी ए सेम दे देगा, इन वायर की रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम पोटेंशियल देगा, बात खत्म। वायर में करंट तो जा ही नहीं रहा, चार्जिंग होती है, करंट थोड़ा जाता है, और करंट नहीं जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स पे क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब इसको करने के लिए, इसको करने के लिए काम करेंगे। कोई कहता सर शॉर्टकट बता दो कैपेसिटेंस का, कैसे चार्ज वी कैसे निकालते हैं, होता तो तीसरा लेक्चर चौथा लेक्चर थोड़ा लगाता, पहले में ही ना करके इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देता कि हो गया कैपेसिटर खत्म, है ही नहीं। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आपको भी तो ऐसे ही करना है, तो कैसे करना है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो क्या आएगा 3C/4। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, ऐड करके क्या आएगा 15C/4। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ तक आ गई। टोटल बैटरी कितने वोल्ट की है, 190 की। अगर मैं पूछूं कि इनमें V बांटना है, V डिवाइड करना है V1 V2, तो V1 V2 निकाल लो। हाँ, ये मैंने शॉर्टकट लास्ट टाइम कराया था कि अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो अगर ये V1 ये V2, तो V1 और V2 की रेशियो इनके कैपेसिटेंस की रेशियो की उल्टी आएगी। तो अगर ये V1 ये V2, तो V1:V2 क्या आएगा, दिस अपॉन दिस 15:4। ये समझ में आया? जो V की रेशियो होती है वो C की रेशियो के उल्टी होती है सीरीज में, लास्ट टाइम शीट बना के दी थी, याद है? ठीक है, तो ये क्या आ गया, V1:V2 पता है, और टोटल V कितना है 190, तो तोड़ दें इसे, डिवाइड करें, तो बताओ V2 क्या होगा, V2 होगा 4
डिवाइडेड बाई 15 प्लस 4 इनटू कितना 190। तो ये स्टेप क्लियर है। तो यहाँ पर V2 क्या होगा, V2 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 4 इंटू 190, कितना आएगा 40 वोल्ट। कोई डाउट इसमें? रेशियो प्रोपोर्शन आता है, हमारे पास 190 रुपए हैं, ये मेरे पैसे V1 और ये V2, तो V1 इज टू 15 इज टू 4 है, तो कैसे पैसे बटेंगे? ये मैं हूँ, मैं मांगूंगा मेरा चौथा हिस्सा दो, तो चौथा हिस्सा और टोटल हिस्से कितने हैं, 15 प्लस 4 19, चौथा हिस्सा अपॉन 19 इंटू 190, आंसर 40। ठीक है, सिंपल तरीके से पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? तो आपने ये 40 निकाल लिया। अब ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, ऊपर, इन दोनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी, V। तो अगर वो 40 है तो ये दोनों भी 40-40 है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन दोनों का, कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर इस कैपेसिटर पे 40 है तो इनको मिला के टोटल भी कितना है, 40 है, क्योंकि ये किसका बना हुआ है, इन दोनों का। अगर इसके ऊपर 40 तो इसके ऊपर भी 40, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब क्वेश्चन वही, ये दो कैपेसिटर्स और टोटल वी कितना डिवाइड करना है, 40। तो मैंने इसको अलग बना लिया, ये देखो सी और 3C, टोटल कितना 40, V1 V2 बांटे, तो अगर इसका पोटेंशियल V1 इसका V2, तो सीरीज में है, सीरीज में V की रेशियो उल्टी आती है C की रेशियो से, तो अगर V1 इज टू V2 निकालना है तो आंसर क्या होगा, 3C बाय C। ये स्टेप क्लियर है? तो हमने क्या निकालना है इसमें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो V2 का हिस्सा क्या होगा, 1, कितने में से, 3 + 1 = 4 में से, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इंटू टोटल कितना है, 40, आंसर क्या आएगा, 10, आंसर इज 10। पॉइंट समझ में आया, शॉर्टकट मत पूछना, मेरे पास होता तो मैं इतना लाल और नीले पेनों के साथ इतना करता ही ना, मैं भी शॉर्टकट से कर देता। ठीक है, शॉर्टकट कब बनते हैं, शॉर्टकट तब बनते हैं जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत हाई हो जाती है और आप 4 स्टेप की बजाय क्वेश्चन को 3 स्टेप में करते हैं, आपका ब्रेन कैलकुलेशन तेज करता है क्योंकि आपको चीज़ें जल्दी दिखती हैं, फिर आपको बहुत प्रैक्टिस होने के बाद और जल्दी दिखती हैं, आप 4 स्टेप 2 स्टेप में करते हो, फिर इतनी ज़बरदस्त आपकी स्पीड हो जाती है, आप 4 स्टेप की जगह 1 स्टेप करते हो, कई बार तो इतना फास्ट हो जाता है कि आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो, आपको आंसर तक भी फटाफट पता होते हैं कि इसमें ये पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो फिर उसको बोलते हैं कि मैंने शॉर्टकट आते हैं मुझे फिजिक्स के। पहले दिन कुछ नहीं आता, पहले दिन तो वो कॉन्सेप्ट ही आता है, तो सीख लो कॉन्सेप्ट बैठ के, फिर प्रैक्टिस कर लो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस तरीके से प्रैक्टिस है। तो अगर आप इसको एज एन ऑब्जेक्टिव करोगे तो मैं एग्री करता हूँ, ऐसा नहीं करोगे। आप कैसे करोगे, आप फटाफट मन में कैलकुलेट करोगे, आप फिर आगे कैलकुलेट करोगे, 2 स्टेप के अंदर इसमें V1 V2 मन में कैलकुलेट करोगे, पता ही है यार 3:1 आएगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन, जहाँ मैंने 4 स्टेप किए, हो सकता है मैं, अगर आप मेरे को क्लास के बाद दोगे, मैं 2 स्टेप में करके बता दूंगा ऐसे 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 कर लेना। ठीक, बस यही कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये तो बिल्कुल क्लियर है, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके अंदर से हमने ऐसा कुछ निकाला था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है यहां तक? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है ही नहीं कि सीज पैरेलल, तो मैं वैसे बता रहा हूं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन है कि ये दो कैपेसिटर्स हैं और एक वायर कनेक्टेड है और इस वायर की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जो वायर है इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो रूल नंबर 1, अगर इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे भी होगा। एग्री करते हो? यही रूल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस क्या आएगा, 0। V - V क्या आएगा, 0। तो अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो इनके ऊपर चार्जिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कोई करंट भी नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा तो कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो इन दो कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा, राइट? अगर चार्ज कब होता है, एक कैपेसिटर पे चार्ज कब होता है, जब उनकी प्लेट्स के क्रॉस क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी वायर लगाई जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। अच्छा ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो,
ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज, तो इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा लेना। पर इस कैपेसिटर के यहां भी वी है, यहां भी वी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो, तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। तो ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, उन दो कैपेसिटर्स का सीरीज में, तो उनके ऊपर भी चार्ज नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि अगर मैंने यहां पर एक वायर लगा दी तो बोलो इसमें कितना चार्ज आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, जीरो। तो जब हम एक वायर लेते हैं जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती और उसको इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं ताकि उनके अक्रॉस कोई ना करंट जाए ना पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो इस मेथड को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, हमने इन दो कैपेसिटर्स को क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसको बोलते हैं हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया। तो जब भी एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करना होता है, हम उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यानी कि एक ऐसी वायर लगाते हैं जिसके दो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाए, जीरो, तो हमने ताकि वो चार्ज ना हो पाए। तो यही वो क्वेश्चन है, तो हमने एक ऐसी वायर लगाई जिसके अंदर क्या किया, हमने एक ऐसी वायर लगाई जिसने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, जीरो, तो क्या किया, शॉर्ट सर्किट, तो अंदर के कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या आएगा, जीरो। क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो ये नए नए क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, आज के लेक्चर में जितनी वैरायटी देखोगे पिछले तीन लेक्चर में नहीं देखी होगी, इतनी है आज। ठीक है, तो मतलब आज कम से कम 15-20 तो करके ही भेजेंगे ताकि जब आप बुक्स करेंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि हाँ इस वैरायटी में ये, तो आपका डाउट्स कम आएंगे उतने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा इसका फिगर ठीक नहीं है, ये वाला, ये फिगर है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे है, ना तो एक्सपेंडेड है ना कंप्रेस्ड है, ऐसी पड़ा है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वो डी होता है, वो डी होता है। क्वेश्चन भी थोड़ा इनकरेक्ट है, मैं आपको क्वेश्चन खुद बता रहा हूँ ये क्या क्वेश्चन है, डी डिस्टेंस है। मैंने बैटरी को कर दिया ऑन, जब मैंने बैटरी को ऑन किया तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, इस पे क्या आया, नेगेटिव। ये जो प्लेट है ना, ये वाली, ये मूवेबल प्लेट है, नॉर्मल क्वेश्चन में ये मूवेबल नहीं होती, अगर डिस्टेंस डी है प्लेट्स के बीच में तो हर हालत में क्या रहता है, डी रहता है, पर इस क्वेश्चन में ये डी नहीं रहेगा। क्यों, ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट, और डिस्टेंस इन दो प्लेट्स के बीच में डी से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। क्या ये पॉइंट क्लियर है, अगर ये मूवेबल हुई तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज डी रहती है, पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोल रहा हूं ये मूवेबल है, तो प्लस प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। डन, यहां तक क्लियर है? तो प्लस प्लेट ने नेगेटिव प्लेट को खींचा, तो नया डिस्टेंस, पुराना डिस्टेंस के बीच में क्या था, डी, नया डिस्टेंस कितना हो गया, 0.8 डी, गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर्स क्या था, डी, अब डिस्टेंस कितना हो गया, 0.8 डी। तो कोई मुझे यह बताएगा, ये वाली प्लेट कितना इनसाइड गई टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, 0.2 डी, तो डी में से क्या माइनस करेंगे, 0.8 डी, तो कितना आएगा, 0.2 डी। तो सेकेंड प्लेट फर्स्ट प्लेट की तरफ चली गई कितना, 0.2 डी। क्लियर है? तो स्प्रिंग जो कि एक्सपेंडेड नहीं था, स्प्रिंग भी क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हुआ भाई, 0.2 डी, जितनी प्लेट अंदर गई उतना स्प्रिंग खींच गया। तो स्प्रिंग की जो एक्सपेंशन है एक्स, यहां पर क्या ली जाएगी, 0.2 डी। कोई डाउट इसमें, पहला स्टेप क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब हुआ क्या, स्प्रिंग खींच गया, प्लेट अंदर आ गई और थोड़ी देर में इट अटेन्स अ स्टेडी स्टेट। अब ये वर्ड स्टेडी स्टेट आपको फिजिक्स में बहुत 3 महीने सुनने को मिलेगा। स्टेडी स्टेट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरी फिजिक्स में। स्टेडी स्टेट का मतलब है क्या होता है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट होता है, आपने एक कैपेसिटर लिया, आपने एक बैटरी ली, बैटरी को कैपेसिटर से जोड़ा, बैटरी को ऑन किया, ऑन करते ही बैटरी ने कैपेसिटर की एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट में डाल दिए,
जब ये प्रोसेस चार्जिंग का चल रहा था तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर आ रहे थे, चाहे फ्रैक्शन क्या माइक्रो या मिली सेकेंड के अंदर ये काम हुआ। तो जब तक एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक नहीं आए तब तक वायर में क्या रहा, करंट रहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे ना, करंट रहा। थोड़ी देर के बाद एक प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर यहां से यहां चले गए तो अब ये मैक्सिमम चार्ज आ गया। जब चार्ज मैक्सिमम आ गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो बंद हुआ तो करंट वायर में क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया। राइट, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है और वायर में कोई करंट नहीं रहता इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और हम जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो कैपेसिटेंस कर रहे हैं सारे के सारे स्टेडी स्टेट के ही हैं, सारे के स्टेडी स्टेट है। क्यों, हमने करंट की तो कभी बात की नहीं। अब आप कहोगे सर अगर ये करंट वाली जो सिचुएशन है वो आपने क्यों नहीं समझाई, वो कब करेंगे, वो तब करेंगे जब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो जाएगा, तभी तो वो रखा हुआ है अगले चैप्टर के लिए। तो जब करंट, देखो तो करंट पढ़ना है तो करंट चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद उस स्टेट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में करंट के ऊपर कभी बात होती ही नहीं, और स्टेडी स्टेट में कोई करंट दौड़ता ही नहीं, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में करंट को पास होने नहीं देता। क्यों नहीं होने देता, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जितने जाने थे जा चुके, अब वो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो इट हैज अटेन्ड अ स्टेडी स्टेट। क्लियर है यहां तक? तो मान लो इसकी स्टेडी स्टेट हो गई, स्टेडी स्टेट में इसके ऊपर पूरा पूरा चार्ज आ गया। जब पूरा पूरा चार्ज आ गया इसके ऊपर, मान लो प्लस इसके ऊपर माइनस, तो इस प्लेट ने इसके ऊपर क्या लगाई थी, फोर्स। कितनी फोर्स, क्यू इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने लगाया, इस प्लेट ने लगाया। चार्ज किसका, इस प्लेट का, तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाई। स्प्रिंग के अंदर फोर्स क्या आ गई, के एक्स। स्टेडी स्टेट में सब रुक गया, अब प्लेट ने जितना अंदर आना था आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो यानी कि इक्विलिब्रियम में क्यू ई किसके इक्वल हो गया, के एक्स। राइट, तो अब ये एक्सप्रेशन हमने किया था फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, तो इस प्लेट पे फोर्स क्या लगेगी, क्यू ई। इस प्लेट पे ई कौन लगाएगा, पहली प्लेट, पहली प्लेट ई क्या लगाएगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आ गई यहां पे, सिग्मा क्या है, चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज बाय एरिया पुट कर दिया, ये सॉल्व कर लिया। अब चार्ज इसमें क्या होगा, सी इंटू ई, इसकी कैपेसिटेंस सी और वोल्टेज कितनी है ई, तो चार्ज की जगह क्या पुट किया, सी इंटू ई। कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, पर यहां पर डी नहीं, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट क्या हो चुका, पॉइंट एट डी, तो C की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाय पॉइंट एट डी, और X की जगह पॉइंट टू डी एक्सपेंशन। सॉल्व करके के निकालना, मैंने निकाला नहीं बट आपको मेथड बता दिया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, रोज रोज नहीं आता इतना बड़ा क्वेश्चन, बट हाँ एक आइडिया आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?
बोलो, आंसर नहीं आ रहा? यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट करते हैं और बैटरी का सिंबल भी मैंने ई में लिया है, तो वो ईएमएफ होती है, ये एक ही बात है। इसमें बच के रहना पड़ेगा आपको कि ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई फॉर बैटरी का ईएमएफ है। तो मैंने ये बताया कि कुछ देर के बाद स्टेडी स्टेट हो जाएगी, क्यू ई फोर्स लगेगी इज इक्वल टू के एक्स। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें ये प्लेट इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, कितना लगाएगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। चार्ज क्या होगा, सी इंटू वी, वी की जगह यहाँ पर ई एम एफ ई है। फिर सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, नहीं क्योंकि प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी नहीं रहा, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस 0.8 डी हो गया। यहाँ से सॉल्व करना है, आंसर आ रहा होता तो क्वेश्चन ठीक ना होता, क्वेश्चन ही गलत है बोल तो रहा हूँ, गलत मार रखा है, आंसर नहीं आएगा इसका, तभी तो मैंने सॉल्व नहीं किया। तभी नहीं आ रहा आंसर इसका, नहीं पता नहीं मुझे, मैंने सॉल्व नहीं किया, पर गलत है ये क्वेश्चन। क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी ना, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा, तो ये मूवेबल प्लेट है, ये मूवेबल, तो प्लस माइनस को खींचेगा। अगर ये मूवेबल नहीं होता फिर ये क्वेश्चन बनता था, बनता नहीं था फिर ये। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे सोचना है। देखो अब कब आएगी, तो पेपर्स के अंदर जब करोगे तो बुक्स के अंदर कभी ना कभी तो आ ही जाएगी किसी बुक में, तो आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट आपको लगाना है स्प्रिंग और कैपेसिटर्स का। ऑनलाइन वालों को क्लियर है सर, अगर ये स्टडी स्टेट ना होती तो फिर कैसे? बोलो सर, अगर ये स्टेडी स्टेट ना होती तो फिर कैसे होता? स्टेडी स्टेट ना होती तो क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं ना अभी, क्योंकि स्टेडी स्टेट अगर ना होती तो करंट होता कुछ टाइम के लिए, वो हमने किया कहाँ, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू भी नहीं हुआ, तो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैपेसिटेंस के जो आएंगे स्टेडी स्टेट भी आएंगे, अभी हमने किया ही नहीं वो पार्ट, बाद में करेंगे। अनव महाजन, मिश्का जिंदल, देवांशी, ऋषिका, ऑनलाइन है ऋषिका? ऋषिका अच्छा प्रेजेंट है, ऋषिका शर्मा प्रेजेंट, प्रेजेंट हो कनव महाजन, प्रेजेंट यार, यस तो बोलो। यस सर। हाँ ठीक है कनव, ये लो। ऋषिका, ऋषिका ओके देखो नेक्स्ट, देखो ये थोड़ी एक्सेप्शन प्रॉब्लम थी वैसे स्प्रिंग वाली, बाकी सब रेंज में नॉर्मल है। देखो इसमें दो शेल्स हैं, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, पहले शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे शेल के ऊपर
नेगेटिव चार्ज है, रेडियस आर और 2R। वो कह रहा है कि अगर मैं इन्हें वायर से जोड़ दूं, तो मैंने बताया था शेल प्रॉब्लम में सारे का सारा अंदर के शेल का चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। वो भी यही कह रहा है कि सारा चार्ज इनर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आउटर पे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बिकम्स जीरो। ये क्या मतलब है, सही गलत? सही, मतलब जब सारा चार्ज बाहर के शेल पे चला गया, शेल के सरफेस के ऊपर और शेल के किसी भी पॉइंट के अंदर वी क्या रहता है, सेम, बाहर और अंदर सेम, कंडक्टिंग शेल में बाहर और अंदर सेम, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो, वी माइनस वी जीरो। तो अगर ये बात ना भी बताता तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वायर से कनेक्ट करने के बाद सारा का सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाहर। ठीक है, तो क्या निकालना है, निकालना है पोटेंशियल ऑन आइदर शेल। जब सारा चार्ज बाहर ही चला गया तो बाहर के ऊपर या अंदर के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। कितना होगा ये निकालना है। एक काम करते हैं, पहले सारे चार्ज को बाहर उठा के रख दें, तो ये बताओ कि अंदर वाले शेल पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू अंदर का एरिया। बाहर वाले शेल पे चार्ज क्या होगा, माइनस सिग्मा इंटू बाहर का एरिया। सिग्मा इंटू एरिया क्या होता है, चार्ज। तो ये देखो, सिग्मा इंटू अंदर का एरिया माइनस सिग्मा इंटू बाहर का एरिया, ऐड कर दिया, ये टोटल चार्ज आ गया। अब यानी कि आउटर शेल पे टोटल चार्ज जो होगा वो इसके इक्वल होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक है, पहले अंदर का चार्ज निकाल लिया सिग्मा इंटू एरिया, बाहर का चार्ज निकाल लिया माइनस सिग्मा इंटू एरिया, ऐड किया, ये चार्ज आ गया। तो अब सिचुएशन ऐसी है, अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, बाहर चार्ज होगा, कितना होगा, इतना चार्ज होगा। अब वो कह रहा है ये बताओ इस पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0 बाहर का चार्ज अपॉन बाहर का रेडियस। ये ना चार्ज हम निकाल चुके, इसको उठा के यहां पुट करके आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि वी कैसे निकलेगा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? जरूरत है, शेल प्रॉब्लम से नहीं हो जाएगा, कर भी सकते हैं। वैसे दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल C1 × R1, फिर कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी अंदर की बाहर की भी, वो बेटर है कि आप ऐसे कर लो, इजी है, कर सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, शेल प्रॉब्लम से सॉल्व हो गया ये, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। अब एक चीज बताओ इसमें कि देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर जब सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, वो कह रहे हैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज E1 कहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, वेयर स्मॉल r ग्रेटर देन 2R, बिफोर कनेक्टिंग एंड आफ्टर कनेक्टिंग उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। देखो वो ये कह रहा है कि सपोज करो दो केस हैं, पहला केस नंबर 1, जब मैंने इन दोनों शेल्स को कनेक्ट नहीं किया था, नहीं किया था, तो इसके ऊपर क्या था, सिग्मा, इसके ऊपर क्या था, माइनस सिग्मा, कुछ ऐसे था, इसका रेडियस क्या था, आर, इसका रेडियस क्या था, 2R, ऐसे था। वो कह रहा है एक पॉइंट लो वेयर आर ग्रेटर देन 2R, ग्रेटर देन 2R का मतलब बाहर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1, किसकी वजह से, दोनों शेल्स की वजह से। ठीक है, फिर वो कहता है केस नंबर 2, केस नंबर 2 में वो कह रहा है कि फिर से दो शेल्स लो, इस बार मैंने इन्हें कहाँ कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट करने के बाद सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, बाहर चला गया, और पॉइंट वही रखो स्मॉल r, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो जब मैंने कनेक्ट नहीं किया था चार्जेस अंदर बाहर थे, जब कनेक्ट कर दिया सारा चार्ज बाहर है, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे E1 E2 की रेशियो क्या होगी, तो लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक इसमें ये लगेगा जहां ई निकालना है वहां क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, गॉशियन सरफेस। तो जब मैं ई डॉट डीएस करूंगा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट,
तो चार्ज क्या लूंगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज में क्या आएगा, ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज, तो ई वन आएगा, करना नहीं है, ई वन आएगा। और जब मैं यहां ई निकालूंगा तो फिर से क्या कंसिडर करूंगा, एक गॉसियन सरफेस। यहां पे जो गॉसियन सरफेस होगी उसमें ई टू डॉट डी एस क्या होगा, टोटल चार्ज इनसाइड अ गॉसियन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज ये इकट्ठा ले लो या इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम ही तो आएगा। तो ई वन और ई टू की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम ही तो आएगी, तो इसलिए ई वन ई टू की रेशियो क्या रहेगी, 1:1। समझ में आया यहां तक, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहे अलग अलग शेल्स पे हो चाहे सेम शेल पे हो, टोटल चार्ज की वैल्यू हर हालत में दोनों में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। तो समझ में आया आंसर 1:1 क्यों है, तन्वी क्लियर है यहां तक, ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर दो कैपेसिटर्स है, कह रहे दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, दिख रहा है मुझे। एक के अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, तो एक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, एक में नहीं डाला, एक में नहीं डाला, ठीक। क्यू वन एंड क्यू टू आर दी चार्जेस स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसमें चार्ज कितना है क्यू वन, इसमें क्यू टू, यार मैं सोच रहा हूँ अलग अलग क्यों है, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो देखा जाए क्यू वन एंड क्यू टू की वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही होगी, कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग बोल रहा है, लेकिन सबको पता है कि चार्ज क्या आएगा, सेम, तो चार्ज कुछ भी रहेगा दोनों पे। अब वो ये कहता है कि सेकेंड केस में मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर दिया, रिमूव, हटा दिया, जब हटा दिया तो दोनों कैपेसिटर्स पे नया चार्ज आ गया, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो गई, तो जो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है तो चार्ज पहले और अब की रेशियो क्या होगी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया। पहले सिचुएशन ऐसी है, एक एक करके करते हैं, चलो आप मुझे ये बताओ, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसकी कैपेसिटेंस सी है, तो इसकी कितनी है, के सी है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सी वन सी टू, सी वन प्लस सी टू, टोटल कैपेसिटेंस आ गई। और बैटरी की ईएमएफ कितनी है, ई है, तो चार्ज कितना है, सी इंटू ई, क्या है पॉइंट, क्लियर है, चार्ज आ गया दोनों पे, पहला स्टेप क्लियर है, चार्ज निकाल लिया हमने, ठीक, सीरीज में लगा लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया, ठीक। दूसरे केस में डाइलेक्ट्रिक हटा दिया, कैपेसिटेंस कितनी रहेगी वापस से, सी, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, सी बाई टू। बैटरी की वोल्टेज कितनी है, ई, तो चार्ज कितना है, सी बाई टू इंटू ई। तो पहले चार्ज कितना था, ये था, अब चार्ज कितना है, इतने, चार्ज की रेशियो निकालनी है, तो पहले वाले चार्ज को इस चार्ज से क्या कर दें, डिवाइड, आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो दो केस बनाना है, दोनों में चार्जेस निकालने हैं, दोनों को डिवाइड कर देना है, आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, ठीक, यस सर, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, क्योंकि ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये Q2 है तो चाहे ये जितना मर्जी यहाँ Q3 लिख दे, जबकि ये चार्ज किसके इक्वल आने वाला है, माइनस Q2, क्योंकि ये चार्ज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मुझे पता है Q2 Q3 कंफ्यूज करने के लिए लिखा, अदरवाइज Q2 किसके इक्वल है, माइनस Q3, कोई डाउट इसमें, तो लिख दिया मैंने Q2 इज माइनस Q3, क्लियर है। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इनमें क्या होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आसान है, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि अंदर की तरफ चार्ज कितना है, Q2 एंड माइनस Q2, यही है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी, सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बोलो इसमें, Q2 अपॉन C, सिंपल, Q2 चार्ज को C से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्लियर है, आंसर आ गया। प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शन है नहीं इसमें,
आंसर तो आ गया, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने ध्यान से देखा ऑप्शंस को, डिनोमिनेटर में 2c 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 2c, तो मैंने भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये क्या बन गया, 2q2 क्या होगा, q2 plus q2, ये भी ऑप्शन में नहीं है, हाँ लेकिन ये ऑप्शन में है, q2 minus q3। तो मुझे पता है q2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -q3। आंसर फिर आंसर, तो थोड़ा सा बस एक स्टेप को मॉडिफाई किया। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसे। हिट एंड ट्रायल में क्या बोलते हैं, आपको ये पता है कि q3 किसके इक्वल है, -q2। ये लो सॉल्व करके सीधा आंसर क्या आ रहा है, q2 by c आंसर, ऑप्शन में पुट करके देख लो आंसर आ गया। तो ये आंसर आना तो q2 by c था, तो जिस भी ऑप्शन का q2 by c है बस वही आंसर है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसे, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. तो ठीक किया मैंने आपको ना होमवर्क देके कि ये क्योंकि नई वैरायटी है तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, कहीं आपको ऐसा लगे कि हमें कैपेसिटर नहीं आ रहा, आपकी गलती नहीं है क्योंकि नई वैरायटी है, तो आपको एक कुछ क्वेश्चन और ऐड हुए आपकी लिस्ट में, तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी आपको पता है कि किसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है शीट, ये शीट नंबर कौन सी है, 21। नेक्स्ट इज 22। कितने लोगों ने इसको ट्राई किया? ओके चलो इसको फिर डाउट्स इसको कट करते हैं क्लियर। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 तो किया ही हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 भी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 गलती से डल गया था, ये कैपेसिटर का था नहीं वैसे, ये तो फोर्स की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का पहला टेस्ट था उसमें प्रॉब्लम दी थी मैंने, चार्जेस क्यू एंड क्यू है और ये कैपिटल क्यू मिड पॉइंट पे है एक्स एंड एक्स, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो बताओ चार्ज क्या रेशियो क्या होगी इक्विलिब्रियम में, पहले इसको करके देखो नहीं आएगा आंसर, इसको कर लो, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, टोटल सम इक्वल टू क्या, 0 आंसर, ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम। ठीक है गलती से डल गया, ये कैपेसिटर का नहीं था, ये कैपेसिटर किस में, इन सीरीज किया था, शीट में प्रॉब्लम की हुई है ये हमने, ये मेरे ख्याल से इसका आंसर में 2 आ रहा है यहाँ पे, इसके इसके आंसर में यहाँ पे 2 आ रहा है, करेक्शन कर सकते हो, ये आंसर है लेकिन 2 के साथ है। D1 D2, अच्छा D1 D2, अच्छा एक अच्छा इसमें कुछ गलती है, ये D1 कर लो और ये D2 कर लो, ऐसे आएगा, अब आएगा D/2 D/2 नहीं है, D1 D2 करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, राइट नहीं आ रहा 2, हाँ फिर 2 नहीं आएगा, राइट हाँ फिर या तो D1 D2 में आएगा या फिर अगर DD करोगे तो फिर 2 आएगा, ऐसा है, छोड़ो आपको बात समझ में आती है, क्वेश्चन गलत है, D1 D2 के साथ अलग आंसर आएगा, D/2 D/2 के साथ अलग आएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना सॉल्व, जो भी आएगा छोड़ दो इसको ऑप्शन, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, 6 क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे 5 कॉम्बिनेशन गिवन होंगे, C C C C बीच में C C C C बीच में C, तो आपको दिखना चाहिए एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कई लोग दूसरे बैच में कह रहे थे हमें कैसे पता लगेगा, तो आज लग गया, अगली बार पता लग जाएगा और क्या। तो करना क्या है, C/C C/C बराबर हो गया रेशियो, तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको उठा के हटा दो, C/C C/C बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको भी हटा दो, तो जब ये वर्टिकल वाले हट जाएंगे दो, ये वाला और ये वाला, तो ये 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 और ये, देखो सी और सी किस में हो जाएंगे, सीरीज में, सी और सी किस में हो जाएंगे, सीरीज में, सी एज इट इज, सी और सी सीरीज में, सी और सी सीरीज में, और ये पांचों किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल में आंसर आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस है, आज के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन दिखेगा तो आपको पता लग जाएगा कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें, शॉर्टकट है ही नहीं कैपेसिटर्स का, होता तो ये होना जाता व्हीटस्टोन ब्रिज के टॉपिक के साथ। ठीक है
काफ़ी एफर्ट लगता है कैपेसिटर्स में, ऐसी बात नहीं है, इतनी आसानी से नहीं निकलता, थोड़ा सा राइट ऐसा नहीं ना कि जैसे पोटेंशियल का टॉपिक था या जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, दो किए तीसरा हो जाएगा, चार किए चार और हो जाएंगे, कैपेसिटर में चार किए पता नहीं पाँचवा होगा कि नहीं होगा, पाँच किए छवा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सात किए होगा कि नहीं होगा, बंदे को लगता है दस का दस बार करने के बाद यार मेरे में कोई दिक्कत है, कैपेसिटर तो ठीक होगा, तो आप में दिक्कत नहीं है, ये मेरी भी दिक्कत है, तो इसीलिए मैंने लीनियर अप्रोच फॉलो किया और इसलिए मैंने वैरायटीज़ को इकट्ठा किया कि देखूं तो सही कि कितने ऐसे और क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं लिस्ट बनाता गया बनाता गया बनाता गया बनाता गया, तो शीट्स बनती गई बनती गई बनती गई, अभी तो और दो शीट दूंगा आपको करने के लिए, फिर ये वैरायटी मेरे हिसाब से ख़त्म होगी, फिर अपने को कोई टेंशन नहीं, चाहे नीट में जाके बैठो चाहे मेन में बैठो चाहे एनसीईआरटी में बैठो, आपका कम से कम कैपेसिटर का क्वेश्चन तो गलत होता नहीं, इतना तो करवा दूंगा, ठीक है, बस आप करते जाओ लीनियर अप्रोच के साथ फॉलो करते जाओ, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो कहीं आप सोचो कि इतनी वैरायटी करने के बाद पता नहीं क्वेश्चन ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, एक लेक्चर में और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो ऐसे 50-60 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में से देखो दो क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएंगे, दो में से एक तो ठीक होएगा ही होएगा फिर भी, ठीक दिखाऊंगा मैं आपको, आज पेपर दूंगा ना तो पता लगेगा, बोलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 10 कैपेसिटर्स 1 फैरेड के सीरीज में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, 1/C 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 10 गुना, तो 10/C उल्टा कर लो, C/10, C 1 है 1/10, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दो 10 कैपेसिटर्स बस। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 ऑनलाइन वालों को भी ठीक है, यस 10 10 टू कैपेसिटर C1 C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सुनते ही पैरेलल में क्या चीज सेम रहेगी, वी सेम है, तो वी सेम है, चार्ज क्यू इज गिवन टू देम इज शेयर्ड, रेशियो निकालनी है, एक बात बताओ पहले पे रेशियो क्या, चार्ज क्या होगा C1 × V, दूसरे पे C2 × V, रेशियो निकाल लो C1/C2, बी ऑप्शन आएगा, सी नहीं आएगा करेक्शन कर लेना, ये ऑप्शन मार्क करना है, बी कंडेंसर कैपेसिटर होता है, ठीक है। 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th में डाउट, 12th में डाउट, 13 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर K=3 इज चार्ज टू अ पोटेंशियल एंड देन आइसोलेटेड, एक कैपेसिटर है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, उसको चार्ज किया और बैटरी को उठा के फेंक दिया, फेंकने को बोलते हैं कैपेसिटर, क्या हो गया आइसोलेटेड, द डायलेक्ट्रिक इज देन रिप्लेस्ड विद अ न्यू डायलेक्ट्रिक 3 की जगह 2, तो क्या निकालना है रेशियो ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है ½ CV2। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि बैटरी ने कैपेसिटर को वी दिया था, बैटरी को उठा के फेंक दिया, तो वी जो उसने यूज किया उसमें क्या चेंज किया हमने, सिर्फ डायलेक्ट्रिक, तो डायलेक्ट्रिक चेंज करने से कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो गई, के टाइम्स, मतलब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बेसिकली, देखो ऐसा किया हमने, एक कैपेसिटर लिया बैटरी लगाई, कैपेसिटर लिया बैटरी लगाई, तो ये एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, फिर उसके बाद हमने डायलेक्ट्रिक 3 के साथ 2 के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो जब 3 के साथ 2 के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो कैपेसिटी कितने टाइम्स हो गई, के टाइम्स हो गई, जब के टाइम्स हो गई तो एनर्जी की रेशियो क्या हो गई 3:2, लेकिन उसने एनर्जी क्या पूछी later is to initial, तो आंसर उल्टा कर दिया 2:3, later is to initial, लेटर पहले वाला और बाद वाला और इनिशियल, U2 is to U1 इनिशियल था, उल्टा कर दिया, ठीक नहीं नहीं क्यों क्यों, दो अलग अलग केस हैं, पैड डायलेक्ट्रिक 3 डाला फिर उसको उठा के फेंक दिया, उसी कैपेसिटर में 2 डाला, तो पहले कैपेसिटेंस 3 × C, अब कैपेसिटी 2 × C, सीरीज में नहीं है, हाँ बोलो क्या।
सही है, गलत किया। इसमें मुझे चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए था, क्योंकि बैटरी थी पहले और बैटरी को उठा के हमने फेंक दिया, तो बैटरी ने पहले कैपेसिटर को क्या दिया था? चार्ज। क्यों चार्ज दिया था? अब दूसरे केस में भी क्या हुआ, दूसरे केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर जो बच गया, दूसरे केस के अंदर बैटरी अभी भी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज रिमेन्स सेम। सही कह रहे हो, मुझे फॉर्मूला चेंज करना चाहिए एनर्जी का। तो ये एक मिनट टॉस करते हैं इसे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब ठीक है, हाँ अब सही है, सही कह रहे हो, क्यू स्क्वायर बाय सी। तो एक बार कैपेसिटेंस थ्री टाइम्स है और एक बार कैपेसिटेंस कितने टाइम्स है? टू टाइम्स है। इन्हें डिवाइड करके आंसर आएगा। अब क्लियर है? हाँ, चेंज कर लो ऑप्शन, आंसर चेंज कर लो, आंसर चेंज होगा इसमें। हाँ बोलो, ठीक है, पॉइंट ठीक है आपका। इसी में
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, 15th क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से देखती समझ में आ रहा है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे पता लगा? किया हुआ है, किया हुआ है, बस यही फीलिंग चाहिए फाइनल पेपर से पहले कि हमने किया हुआ है, बस ठीक है, फिर हो गया काम। ये प्रैक्टिस के साथ आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक कॉपर मतलब कंडक्टर स्लैब को डाल रहे हैं, तो बिना कंडक्टिंग स्लैब के कैपेसिटेंस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कंडक्टिंग स्लैब में क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, और थिकनेस कितनी है? डी बाई टू। डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, क्लियर है? तो कंडक्टिंग स्लैब हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में दो कैपेसिटर 25 है जब पैरेलल में है, 6 सीरीज में है, तो पैरेलल में ये रहा, सीरीज में ये रहा, तो यहाँ से C1 C2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो C1 प्लस C2 पुट कर देना, C1 इंटू C2 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक। नहीं तो हिट एंड ट्रायल कर लो, ऑप्शन पुट करके देख लो यार, जो दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो डायग्राम मिसिंग है तो बना लो, सीरीज है, डायग्राम मिसिंग है, इसको प्लीज़ ये डायग्राम बना लो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। अब तो आसान है, अब तो हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो ये शीट नंबर क्या थी? 22। शीट नंबर 23, कितने लोगों ने ट्राई की? 23, ओके, ट्राई की, चलो इसको भी खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन डाउट है, देखो पहला क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आता, आपको फिर क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल करेंगे, और क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ही क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल ऑब्जेक्टिव का। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, तीन चार्जेस हैं, आपने सिंपल, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि जहाँ अर्थिंग हो रखी है उसका वी क्या है? 0। आप तीन शेल्स पे चार्जेस हैं, आप कुछ ना करो, Q1 Q2 Q3 की वजह से यहाँ पर V निकाल सकते हो, शेल प्रॉब्लम में क्यों हुई है? शेल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट लगाना, हर शेल का V निकालना और इक्वल टू क्या कर देना? 0। फिर यहाँ पर भी V क्या करेंगे? 0। तो यहाँ पर भी तीनों शेल्स का यहाँ पर V निकालना और इक्वल टू क्या करना? 0। उसके बाद आपसे कुछ नहीं होने वाला, अब लेके बैठ जाना, सॉल्व नहीं होता ये। अब आपको देखनी है ऑप्शंस, जैसे ये आपके पास सम आ गया, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू माइनस Q2, ध्यान से देखना, इन सबका एलसीएम कॉमन है, और अगर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 हुआ तो माइनस Q3 कैंसल, सेटिस्फाई हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल ट्रू। BCD मैंने नहीं चेक किया, कई लोग कह रहे थे बी आ रहा है, सी आ रहा है, मेरे को मालूम नहीं है, आपने चेक करना है। आपने, आपके पास सिर्फ दो इक्वेशन हैं, आप उन दो इक्वेशन में जैसे सेकेंड ऑप्शन चेक करना है, तो जहां आपको Q1 दिख रहा है वहां पुट कर दो माइनस Q2 बाय 4। तो दोनों ऑप्शन में चेक करो, जहां पर अगर बात बन गई तो कर देना मार्क, नहीं बनी तो छोड़ देना, नहीं होगा, ए ऑप्शन तो वैसे ठीक है। तो आपको आइडिया क्लियर है कि इस टाइप की प्रॉब्लम सब्जेक्टिवली सॉल्व नहीं होगी, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होगी। हाँ ऐसे तो हो ही जाएगी, पर ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे, कौन करेगा दो इक्वेशन सॉल्व, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपको लगानी है इंडक्शन इसमें? मेरे को लगता नहीं है इसमें ज़रूरत है, दो मुझे को लगता नहीं है ज़रूरत है, क्योंकि इसलिए ज़रूरत नहीं है, ये Q1 ऑलरेडी गिवन है, आप यहाँ माइनस Q1 करोगे या प्लस Q1 या माइनस Q2 प्लस, तो फ़ायदा नहीं होगा, इसका अफेक्ट इसमें आएगा नहीं इंडक्शन में। अर्थ के ऊपर तो Q1 ही दिया हुआ है उसने आफ्टर अर्थिंग, इसको क्यों चेंज करोगे अब? वो तो आफ्टर अर्थिंग ही Q1 है, आफ्टर अर्थिंग ही Q3 दे रहा है, उसने कौन सा कहा कि पहले अर्थ नहीं दी अब अर्थ हो गई? वो तो कह रहे हैं अर्थ हुई हुई है, अर्थ होने के बाद ये चार्जेस हैं, तो क्या जरूरत पड़ी आपको इंडक्शन लगाने की? अब जब सब कुछ सेटल ही हो चुका, वो खुद क्वेश्चन वाला ही सेटल करके दे रहा है, आपको जरूरत नहीं इंडक्शन की।
आप अननेसेसरी इंडक्शन से अपना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करोगे, फिर शेल प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी दोस्त। देख ले ये वाली यहां निकालू तो 1/4 πε0 q1 बाय स्मॉल r, सेकेंड शेल के अंदर ये पॉइंट है तो सेकेंड शेल के ऊपर जो v होगा वही अंदर होगा तो ऊपर क्या होगा डिवाइडेड बाय 2r, ऐसी थर्ड शेल के ऊपर और अंदर सेम है 3r, ऐसे नहीं वो 3r पे लेंगे तो नीचे बनेगी 3r, दो ही क्वेश्चन बनेंगे ना अलग अलग, तो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, हाँ होएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, एक आइसोलेटेड स्फीयर है, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल स्फीयर है, और दूसरे केस में इस स्फीयर को एक और शेल के अंदर डाल दिया जो कि अर्थ है, तो हमने दोनों की डेरिवेशन की हुई है कैपेसिटेंस की, इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है 4πε0 R1, इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है 4πε0 R1 R2 by R2 minus R1, डेरिवेशन की हुई है हमने दोनों की हुई है ना, आइसोलेटेड की भी और स्फेरिकल शेल्स की भी। वो कह रहे हैं कि जब हम इसके आउटर में एक शेल डालते हैं तो इसकी कैपेसिटी से n टाइम्स हो जाती है, n टाइम्स यानी कि C2 इज n टाइम्स C1, आपको C2 पता है, आपको C1 पता है, सॉल्व करो n निकाल लो, R2 R1 की रेशियो आएगी n की, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, एक आइसोलेटेड स्फीयर है और एक कंसेंट्रिक स्फीयर है, दोनों की कैपेसिटेंस पता है, तो नई कैपेसिटेंस इज n टाइम्स दिस कैपेसिटेंस, तो बस इक्वेट करो, वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो, R1 R2 की रेशियो आ जाएगी। तो ये भी पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन सबके पास ड्राइव पे है ना, गूगल ड्राइव पे, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं मिली हो ऑनलाइन मुझे व्हाट्सएप करो अपना ईमेल आईडी सारे व्हाट्सएप करना, तो ये सॉल्यूशन शेयर हो जाएंगे आपके साथ सारे। क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, फोर में ना मतलब क्या प्रॉब्लम बताता हूँ, ये आपके पास चार्ज क्यू, ये -2q, ये कंडक्टिंग स्लैब है, इंडक्शन हो गई, इंडक्शन होने के बाद -2q और 2q, ठीक है, कंडक्टर है तो नेट चार्ज कितना है 2q - q इज q, ठीक हो गया, अर्थ किया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नेट इसके ऊपर चार्ज प्लस q जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। तो इसने मार्क किया कि कितना जब हम इसको ऑन करेंगे तो सेंट्रल प्लेट इनिशियली न्यूट्रल है, इफ द सेंट्रल प्लेट इनिशियली न्यूट्रल है तो उस केस में जब इसे ऑन करेंगे तो कितना चार्ज अर्थ के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, ये क्वेश्चन है। अर्थ अपने पोटेंशियल को क्या करेगी, अर्थ जीरो करेगी। देखो वैसे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझता हूं, अगर आपको अर्थिंग को और ज्यादा डिटेल में समझना है तो स्कोर हेड के ऊपर ही एक वीडियो एक्सेप्शनल बना हुआ है अर्थिंग के ऊपर, वो सिलेबस का पार्ट नहीं, वो किसी किताब में मिलेगा नहीं आपको, तो आप उसको ये स्विच ऑन करते हैं ऑफ करते हैं कैसे चार्ज अर्थ में जाते हैं आपको वहां से सुनना पड़ेगा इसे, और काफी डिटेल में मैंने उसमें पूरे लेक्चर में आधे घंटे में समझाया हुआ है अलग अलग सिचुएशन में अर्थिंग कैसे काम करती है। तो अगर आप थोड़े हायर एंड प्रॉब्लम में जाओगे जिसमें अर्थिंग ज्यादा इन्वॉल्व है तो उसमें वो लेक्चर देखना फायदेमंद रहता है, मैं ग्रुप पर डाल भी दूंगा अर्थिंग की प्रॉब्लम, ठीक, ऑप्शनल है, कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर कहीं अर्थिंग आती है वहाँ कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है तो सुनना चाहिए वो। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 2q चार्ज है, अर्थ कर दिया, वो चार्ज कहता अर्थ में चला जाएगा, क्यू चार्ज कहता अर्थ में चला गया तो आंसर से क्यू मार्क कर दिया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके आते हैं, क्यू चार्ज नहीं जाता, पर काफ़ी बुक्स ये मानती हैं कि क्यू चार्ज 6q चार्ज है, 6q का 6q अर्थ में चला गया, ऐसे बोलती हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में वैसे बताया था कि इसे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू अर्थ में चला गया, तो एक्चुअल में होता नहीं है, होना ये चाहिए कि अगर ये क्यू चार्ज है तो अर्थ से उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा -q जो कि इसमें फ्लो होके जाएगा, हालांकि बुक्स के अंदर क्यू ही मार्क्ड है पर अर्थ में चार्ज गया तो क्यू लिखना है,
अर्थ से कंडक्टर में चार्ज गया तो माइनस क्यू लिखना है, तो वो कह रहे कितना चार्ज अर्थ में चला गया तो मैंने भी इसमें उठा के क्यू मार्क कर दिया, पर अदरवाइज प्रैक्टिकली पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी होती है, वो कभी भी चार्ज फ्लो करता ही नहीं है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ही निकल के डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। तो इसकी जो डिटेल है कि कैसे अपने आंसर्स मार्क करने हैं, आप वो 30 मिनट्स का वीडियो देख लेना, अर्थिंग का ऐसा लेक्चर किसी किताब में मिलने वाला है नहीं, 100% है ठीक। तो मैंने भी कहीं कहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे करके उस शीट को बनाया है, तो किसी किताब में से नहीं बनी, वो अलग अलग गूगल के अंदर देख देख के चीज़ों को और बुक्स में से कहीं कहीं क्वेश्चन उठा उठा के वो बनाया है, तो अच्छा लेक्चर है वो, आप एक बार देखना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसकी फिगर मिसिंग है, प्लीज़ ये फिगर बना लो, एरिया भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, एरिया भी खुद ने डिवाइड करना, तो इसके अंदर ये डायलैक्ट्रिक डाल दिया और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना 4, तो इसके अंदर जैसे ये 3 कैपेसिटर्स होंगे कनेक्टेड इन पैरेलल, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेना ए बाई फोर के साथ, इसकी ए बाई टू के साथ, इसकी ए बाई फोर के साथ, और तीनों पैरेलल में है तो C1+C2+C3 आंसर। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें फिगर बना लेना, बाकी तो मेरे ख्याल से पैरेलल कॉम्बिनेशन से हो ही जाएगा, फिगर मिसिंग है। एक एयर कैपेसिटर, डायलैक्ट्रिक कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, फिगर गिवन है, हाफ ऐसे है, ये हाफ है ए बाई टू, फिर ए बाई फोर बच गया, बीच में मिडल हाफ है, मिडल हाफ ऑक्यूपाई कर दिया, तो फिर ये इधर भी एयर एयर बच गई, तो 3 बन गए। हाँ हो सकता है, हो सकता है, तो फिर नया कैपेसिटर बनता C1 C2 C3, आंसर अलग आ सकता था, मुझे पता नहीं यार। अच्छा पैरेलल तो सेम आ जाएगा, सीरीज में अलग आ सकता है, पैरेलल में तो ऐड ही करना है, पैरेलल में कोई चक्कर नहीं, जैसे मर्जी डाल दो, सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 4 माइक्रोफेरड का कंडेंसर है चार्ज टू 400, इट्स प्लेट्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, द हीट प्रोड्यूस्ड, ओ हीट कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगी, एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, आपने निकाल ली कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है 0.32 जूल। आपने क्या किया, आपने इस कैपेसिटर, ये जो भी कैपेसिटर है, जो भी कैपेसिटर है, सारी एनर्जी इसके बीच में थी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, आपने एक रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि ये चार्ज था, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, तो इसमें क्या दौड़ेगा, करंट, करंट आएगा ही आएगा पक्का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट I²RT हम करेंगे अगले चैप्टर में। पर आप सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा, एनर्जी देनी कितनी, किसने है, कैपेसिटर ने, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, पॉइंट कितनी 32 जूल, सारी की सारी बाहर निकाल देगा अपने आप को न्यूट्रल करने के चक्कर में, तो हीट की फॉर्म में बाहर क्या एनर्जी आएगी, पॉइंट 32 जूल, तो कुछ नहीं है, जो कैपेसिटर की एनर्जी है वही सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज ऐसा कुछ खास नहीं है। वैसे RC सर्किट्स हम करेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे R और C सर्किट को सॉल्व करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, जो अगले चैप्टर में ही आएगा, जब हम रेजिस्टेंस कर लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होएगी इस टाइप के क्वेश्चन की। अभी बस एक बस यही चेक करना चाह रहा है कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, दैट्स इट, इसमें रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 में 10 एंड 20 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर 200 की सप्लाई है, चार्ज कैपेसिटर डिस्कनेक्ट, हमने इसमें से डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करके हमने कैसे कनेक्ट किया, रीकनेक्ट किया विद पॉजिटिव प्लेट्स टुगेदर एंड नेगेटिव प्लेट्स टुगेदर, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दिया हमने। तो आपको क्या लगता है, दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल की प्रॉब्लम, यू हैव टू कैलकुलेट अ न्यू पोटेंशियल। तो एक काम करो, जब ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई, वी पता है, तो क्यू इज सीवी से क्या आ गया, चार्ज आ गया, चार्ज आ गया दोनों के ऊपर, सेम चार्ज है, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ये फॉर्मूला
सी वन वी वन क्या होता है चार्ज, सी टू वी टू भी क्या होता है इनिशियल चार्ज। चार्ज हम फर्स्ट पार्ट से निकाल चुके, क्यू वन क्यू टू सेम चार्ज है सीरीज में थे, तो चार्ज को पुट कर दिया 4000/3×2। कैपेसिटेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, हमें कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। कोई डाउट समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 14, 15 एनसीईआरटी शीट में किया था वैसे ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में वो है करेक्शन है, टू स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 R2 रिस्पेक्टिवली आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल, तो यहां पे लिखो टू सेम पोटेंशियल, दो स्फेयर्स को सेम पोटेंशियल से हमने ज्वाइन किया। रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेयर निकालना है, ये करेक्शन है। तो एक स्फेयर का पोटेंशियल होता क्या है, 1/4 Q1/R1 Q2/R2, कह रहे सेम पोटेंशियल है, दोनों को क्या कर दिया इक्वेट, इक्वेट करके किसकी रेशियो निकाल दी चार्ज की। क्लियर है, हमने किसकी रेशियो निकालनी है ई की। तो एक स्फेयर के ऊपर ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई वन इज इक्वल टू 1/4 Q1/R1 square, ई टू विल बी इक्वल टू 1/4 Q2/R2 square, इन्हें डिवाइड करके ये आ गया। Q1 Q2 हम निकाल चुके हैं, ये रहा, इसे पुट करके आंसर आ गया। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, तो E की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, आपको Q की रेशियो चाहिए होगी वहां से आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट, यूनिट्स एंड डायमेंशन से होगा ये पूरे का पूरा, किया नहीं लगता, देख ही रहे हो सिर्फ कि किया क्या है मैंने। ठीक, तो क्या यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? अब इसकी अगली शीट होमवर्क है, उसके डाउट होंगे अगली बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होने वाला है जिसका नाम है किरचॉफ लॉ, उसका प्रॉब्लम मेंस के अंदर आया हुआ है 2021 में, हर साल कुछ ना कुछ आता है, नीट में भी आ जाता है। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी के अंदर किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिसिटी के सिलेबस में है। करंट इलेक्ट्रिसिटी दो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, कैपेसिटेंस का अलग है। कैपेसिटेंस वाला नहीं आएगा सीबीएसई में, रेजिस्टेंस वाला आता है, पर बात एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। तो हम कैपेसिटर्स में करेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इसको खत्म करेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है अगले लेक्चर के अंदर हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट स्टार्ट करें, नया यूनिट है। और एक और काम आपने जो इंपॉर्टेंट करना है ये भी देख लो एक बार, एक शीट सब्जेक्टिव एट नंबर शीट होगी इसमें, वो शीट ना गलती से सब्जेक्टिव में डल गई, वो एनसीईआरटी की नहीं है, वो एनसीईआरटी की नहीं है। ये शीट देखो, ये शीट मैं आपको ना पीडीएफ की फॉर्म में एज इट इज शेयर कर रहा हूँ, और साथ में, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले इसके साथ एक और शीट करूँगा, दो शीट्स हैं, वो दो शीट्स में से ये शीट, ये वाली शीट की आधे घंटे की रिकॉर्डिंग भी है, ऑप्शनल है। ये दोनों शीट्स एचसी वर्मा के अंदर से बना रखी हैं, जो मुझे लगता है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज वो क्वेश्चन को सॉल्व करें, मुझे ठीक लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइप की प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। उसमें से एक शीट तो मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, ये वाली शीट ऑलमोस्ट हमने की हुई है, और इसमें से ये वाली एक प्रॉब्लम है, एक कैपेसिटर है जिसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को धीरे धीरे इंसर्ट कर रहे हैं कैपेसिटर के अंदर। तो वो कहेगा फोर्स बताओ, क्योंकि जब हम धीरे धीरे इंसर्ट करते हैं तो होता क्या है, यहां पर इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं, बाउंड चार्जेस, ये प्लस के माइनस, ये प्लस के माइनस, तो कैपेसिटर की प्लेट्स यहां पर उल्टे चार्ज प्रोड्यूस करके इस डायलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है। तो शुरू शुरू में तो आप वर्क डन करते हो कि चलो मैं किसी तरीके से डायलेक्ट्रिक को अंदर एंटर करवाऊं, फिर कुछ नहीं, कैपेसिटर खुद ही खींच लेता है। अब आप चाहते हो कि वो खुद खींच लेगा, भाई डायलेक्ट्रिक तो एक्सलरेट कर लेगा, तो आप चाहते हो कि मैं उल्टी फोर्स लगाऊं क्योंकि कैपेसिटर खींच रहा है, ताकि वो कांस्टेंट स्पीड से अंदर जाए। तो बोलो मैंने कितनी फोर्स लगाई ताकि कांस्टेंट स्पीड से डायलेक्ट्रिक जाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
तो आपको ये प्रॉब्लम करनी ही चाहिए। तो मैं दोनों चीज़ें भेज रहा हूँ आपको, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ और साथ में ये शीट भी भेज रहा हूँ। एक शीट आप यहाँ से करोगे, हाँ जो डाउट होंगे मैं लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, और एक शीट मैं खुद करवाऊँगा, आपको पोस्ट कर दूंगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज मैं करवाऊँगा। उसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से भी हो, तो मैं ही करवा दूंगा उसको, नेक्स्ट टाइम डाउट ले लूँगा, कोई जल्दी नहीं। हमें आप ये शीट का होमवर्क जरूर करके आओगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो अगली बार वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसी को ये फिर से वहम हो जाए, मैं तो अच्छा स्टूडेंट था, मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स ने खराब कर दिया, तो एक नया चांस है उसके लिए, फ्रेश चांस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो अपनी वर्थ प्रूव करना चाहता है तो बिल्कुल प्रूव करे, इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ लेना देना नहीं है। तो बढ़िया है, फिर शुरू करेंगे नया यूनिट।